कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रीना राज पे। तो आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त का। तो अभी मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ गाइज एंड अभी हम जाएंगे मतलब कहाँ ग्राउंड जहाँ झंडा तोलन होने वाला है। एंड बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ काम किए हैं, मतलब क्या ही बताया, क्योंकि 8:30 तक हम निकल जाएंगे कैसे भी, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा तो आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा 26 जनवरी मैंने शेयर किया था, पर पता नहीं कैसे मेरा वीडियो रुक गया था, बट इस बार बहुत अच्छे से हम मतलब रिकॉर्ड करेंगे एंड आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करवाया, तो अभी कपड़ा वगैरह कर दिए तो मैंने बाहर ही आज यहीं डाल दिया है, और चिक्की भी अब बस उसको नहला के तुरंत लेके जाना है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड देखती रहिए। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो इतना हड़बड़ी है अभी मेरे को, क्योंकि अभी मतलब बस मेरे पास और 30-35 मिनट टाइम है, और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, तो मुझे थोड़ा साड़ी पहनने में टाइम लगता है इसीलिए बोल रही हूँ। तो चलिए आगे आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए। जल्दी जल्दी जा रहे, पहले रेडी होंगे फिर आप लोग से बातें करते हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। सो गाइस, तो हम लोग यहाँ पे रेडी होके निकल चुके हैं, साथ में दीदी भी जा रही थी, और इतना हड़बड़ी में निकले ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इसलिए जल्दी जल्दी हड़बड़ी था क्योंकि अगर सोच रहे थे लेट पहुँचेंगे सब मिस हो जाएगा तो फिर जाने का फ़ायदा क्या है, और थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, पूजा वगैरह सब काम वाम करने में लेट हो गया था। एंड हम वहाँ पर रुके थे इस वजह से क्योंकि हमेशा बस जाती है, तो मुझे लगा बस निकल गई होगी, बट हम लोग पीछे देखे तो नहीं, हम लोग की बस आ रही थी, जैसे कैंप से हमेशा बस जाती है CISF की, तो वही सब इसमें हम लोग CISF के ही हैं, तो बस हम लोग बस को मिल गया था तो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो अब जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं था बट बस से तो मतलब जल्दी ही पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी बस में हैं और चिक्की को देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इसको गाड़ी ऑटो ये सब में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग बस निकल चुके और देखिए कितने सारे लोग जा रहे थे, सब जा रहे थे, सब हमारे कैंप के ही मतलब दीदी लोग हैं सारे लोग, और यहाँ पर तिलक भी बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो चलिए आप लोग भी मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए। और गाइज एक बात है, और यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं, एंड पहुँचते पहुँचते मतलब बस थोड़ा देर और मतलब लेट होता ना, बस से अगर नहीं आते ना तो सच में सारा प्रोग्राम हम मिस कर देते, क्योंकि हम लोग बस जैसे ही अभी उतर ही रहे थे तब तक चीफ गेस्ट जो थे आ गए हैं, और मैंने बस से ही थोड़ा सा कैप्चर किया है उनका, और आगे जाके जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ कैप्चर किया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए वहाँ पर वो गाड़ी से उतर रहे थे एंड उनका स्वागत किया जा रहा था, और हम भी हम बस से उतर रहे थे तब तक फिर भी जल्दी जल्दी जाके और यहाँ पे हम रिकॉर्ड किए हैं। तो चलिए आप लोग देखिए। हमारा केंद्रीय विद्यालय छात्राओं का
तो आप लोगों ने देखा अभी मतलब जितना हुआ मैंने कैप्चर किया था एंड यहाँ पे कुछ देर में परेड भी स्टार्ट होगा, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिएगा, क्योंकि 26 जनवरी में तो बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम वगैरह सब कुछ हुआ था, तो इस बार भी होगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए। और यहाँ पर देखिए स्कूल के कुछ बच्चे लोग भी हैं एंड उनके भी लोग हैं। अभी हम सब आए हुए हैं एंड यहाँ पे खड़े क्योंकि अभी होने वाला परेड थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए। और ये गाड़ी पे सब बच्चे देखिए कैसे फोटो क्लिक करवा रहे हैं एंड मैं भी। परेड की समाप्ति, समाप्ति परेड नहीं करेगा लोग। अरे दीदी इस पे आएगा कहाँ जा रहा है वो सब? नहीं घूमेगा दीदी वो लोग क्योंकि ये गंदा है इसलिए। हाँ चला गया लोग। सो गाइस तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा क्योंकि 26 जनवरी में हुआ था तो मुझे लगा इस बार भी होगा, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा ना इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो इसी वजह से परेड नहीं हुआ क्योंकि रात में ही बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, ग्राउंड बहुत गीला हो गया था बहुत ज़्यादा, इसी वजह से परेड वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए भैया आ रहे थे इन्होंने मतलब ये भी परेड में पार्टिसिपेट किए हुए थे, तो ये दीदी के हस्बैंड है। और एंड इस बार मतलब कुछ ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हुआ बारिश की वजह से, ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा मतलब देख के, मुझे लगा कि सारा कुछ होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट कोई नहीं जितना हुआ मैं सारा आप लोग के साथ शेयर की एंड देखी भी। तो और ये देखिए हमारा तिरंगा कितना अच्छा लहर रहा है ना, और मुझे इसे देख के बस एक ही सॉन्ग याद आ रहा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यहाँ पे सारे यूनिट्स के लोग हैं आप लोग देख सकते हैं एंड ये सारे लोग हमारे मतलब मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं। और ये देखिए मैंने अच्छे से मतलब कैप्चर किया झंडे का कि आ जाए, बट वो है कि लहर ही नहीं रहा था तो कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रहा था और बादल बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था बहुत ज़्यादा, और यहीं पे मतलब हम लोग को बैठने का था तो हम लोग बैठे नहीं, तो मैं तो ग्राउंड के नीचे जाके खड़ी हो गई थी कि अगर अच्छे से परेड होगा तो आप लोग के साथ कैप्चर करूँगी, क्योंकि मंच से हम मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर फिर हम लोग निकल रहे थे घर, और
एक बात बोलूँ, यहाँ पे मैं मतलब कुछ आप लोग से बातें कर रही थी ना, और सॉन्ग मतलब बज रहा था, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। वो जो दो बच्चे थे ना, मतलब मैं आप लोग से बातें करते आ रही थी, तो वो बोले थे ब्लॉगिंग चल रहा है गाइस जल्दी चलो, तो मैं वही बोली कि हाँ चल रहा है, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो कुछ नहीं, वो सब चले गए। मैं बोली कि मतलब कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दी, इग्नोर कर दी। एंड आज आज़ादी का दिन है, तो सब आज़ाद है, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, एंड जिसको जो करना है कर सकते हैं। क्या सही बोली ना मतलब मैं, तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बोली छोटे बच्चे हैं क्या ही मुँह लगना, छोड़ो हटाओ, मैंने बस स्माइल करके हट गई। और यहाँ पे देखिए हम बस में सब बैठ चुके हैं, एंड प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, कुछ कुछ चल रहा था, तो और बस आ गई थी हम लोग की, तो मैं सोची चलो चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बाबू थी, चिक्की थी, मतलब ये सब हैं, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बस चली जाती तो फिर हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता। इसी वजह से बस आई तो आराम से हम लोग फिर बस में बैठ के एंड निकल चुके। और एंड ये है बोकारो थर्मल का फुटबॉल ग्राउंड, और यहीं पे हमेशा मतलब हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं, एंड हम कैंप के अंदर नहीं रहते, लाल बिल्डिंग में रहते, तो इसीलिए हम लोग गेट के पास ही उतर गए। तो अभी हम घर पर आ गए, एंड हो गया मतलब 1 घंटा, और घर पर आने के बाद सबसे पहले फिर हम आज ट्यूसडे है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो ट्यूसडे के दिन मेरा फास्ट रहता है, मतलब व्रत रहता है, तो इसी वजह से कुछ खाए पिए हम चले गए थे। फिर आए तो मखाना फ्राई किए, बादाम वगैरह, चाय वगैरह पिए, और चिक्की तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी, सबसे पहले उसको सुलाएं, फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके वो सब किए, और बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह सुबह जगे और 8:30 के करीब हम लोग निकल गए थे। फिर वहाँ पर गए जल्दी जल्दी, फिर भी थोड़ा सा मिस मतलब किए, नहीं तो और हम कैप्चर कर ही लिए थे, लेट हो गया था, नहीं तो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या नहीं। पीरियड होता गाइस, बट बारिश इधर जैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, मतलब आज थोड़ा सा मौसम क्लियर हो, मुझे तो लगा आज भी बारिश होगा तो हम कैसे जाएंगे, मतलब होगा ही नहीं कुछ है, तो हम जा भी नहीं पाएंगे। बट सुबह में बारिश नहीं होता, पर कल नाइट में बहुत ज़्यादा बारिश, नाइट में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, इस वजह से परेड वगैरह हुआ नहीं, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ जैसा हो गया था, गंदा था, तो खैर कोई नहीं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय।